MIUI 13 या MIUI 14 के लिए अगर एक डिफरेंट या प्रीमियम थीम चाहिए, ये थीम ट्राई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद पूरा फोन का लुक चेंज हो जाएगा। गूगल का फोल्डर में काफी डिफरेंट आपका आइकन देखने को मिलता है और सभी आइकन्स चेंज हो जाता है। सिमिलर आपको होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर में भी आइकन्स देखने को मिलता है। आइकन पैक अच्छा है, कुछ डिफरेंट है और मतलब नॉर्मल आइकन्स से थोड़ा छोटा आइकन्स देखने को मिलता है और मतलब काफ़ी कम आइकन्स मिसिंग अगर कंपेयर करेंगे दूसरा आइकन पैक से, तो अच्छा आइकन पैक ओवरऑल। आपको बजट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा है, याद कर लो वॉलपेपर सेम वॉलपेपर कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिलता है डिफरेंट कलर टोन के साथ। कंट्रोल सेंटर में टॉगल्स और UI चेंज हो जाता है। 12.5/13/14 में कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा अप्लाई करने के बाद। सेटिंग्स में भी UI चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि सेम वॉलपेपर वही मतलब होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है। फिर MIUI 12.5/13/14 जो भी आपका वर्जन MIUI का उसी का डिफॉल्ट आइकन देखने मिलेगा सेटिंग्स में। फिर अबाउट फोन में भी चेंजेस देखने मिलता है, डिटेल इन फोन स्पेक्स में भी चेंजेस देखने मिल जाएगा। UI चेंज काफ़ी अच्छा होता है और एक भी प्रॉब्लम्स या बग नहीं देखने मिला, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कुछ मिसिंग नहीं देखने मिलता है। तो सेटिंग्स का UI कंट्रोल सेंटर काफ़ी परफेक्ट है। डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने मिलता है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी जो हाईलाइटेड टॉगल्स देख सकते हो ऑरेंज कलर का देखने मिलता है। बैक जेस्चर भी चेंज हो जाता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक देखने मिलता है। अबाउट फोन एडिशनल सेटिंग्स पे भी चेंजेस देखने मिलता है, देख सकता है सब कुछ चेंजेस है और ऑन पॉइंट चेंजेस है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, मतलब इधर उधर ज्यादा भी नहीं है। कस्टमाइजेशन जो भी है काफी ऑन पॉइंट अच्छा सा मतलब एक अच्छा लुक के साथ देखने मिलता है। डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होगा, MIUI का डायलॉग मैसेजेस ऐप तो चेंज हो जाएगा। लॉक स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत और भी आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बस आपको स्वाइप डाउन करना है, फिर आपको जो है डस्क देखने को मिलेगा और सनराइज़ का आपको देखने को मिल जाता, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है लुक और आप उसको सेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन वॉलपेपर का देखने को मिलता है और लुक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको कोट का भी जो ऑप्शन देखने मिलता है, अगर आपको कोटेशन चाहिए आपका लॉक स्क्रीन में तो आप अनेबल कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। जैसे कि मेरे को पर्सनली ब्लैंक ज़्यादा अच्छा लगा। और लेफ्ट तरफ से स्वाइप करने से आपको और भी ऑप्शन देखने मिलता है, अगर आपको वॉलपेपर चाहिए डायनेमिक तो डायनेमिक अनेबल कर सकते हैं, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लुक सच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल है लॉक स्क्रीन आपका। इसमें 2 पेज देखने को मिलता है, सेकेंड पेज में काफ़ी अच्छा सा लुक देखने को मिल जाएगा और फर्स्ट पेज में आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 3 वॉलपेपर का ऑप्शन है। अगर आपको ये थीम चाहिए तो जाओ थीम स्टोर में सर्च करो, ऑन द रोड सर्च करो, जाओ नाम थीम करिए ऑन द रोड सर्च करो, सेम जो है कैपिटल लेटर ऑन ऑफ करके तो ये जाके थीम मिलेगा। ऑन द रोड सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा ये थीम ऑन द रोड। आई होप ये थीम मिल गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थीम डिज़ाइनर्स का जो है अकाउंट उड़ जा रहा है Xiaomi का थीम ऐप से या थीम स्टोर से, जो कि नहीं होना चाहिए, तो इसी कारण थीम नहीं मिल रहा। तो ये मिल जाएगा, आई होप जाओ सर्च करो और डाउनलोड करो, बताओ कैसा लगे थीम। आई होप थीम और वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करो और ऐसा वीडियो जो है मिल जाएगा चैनल पर, चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके शेयर करो इस वीडियो को, सजेस्ट करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।